हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमलता सैनी, मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का अचार। ये बिना तेल के बनाया जाता है, इन्हें कांजी वाली हरी मिर्च भी कहते हैं। ये अचार तुरंत बनने वाला है, मिर्च का अचार है। अधिकतर राजस्थान में सभी मौसम में शौक से खाया जाता है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, इसका जो राई का पानी बनता है उससे पेट में कभी पथरी नहीं होती, ये पथरी को काटने का भी काम करता है। तो आइए हम बनाते हैं हरी मिर्च का अचार। इसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम हरी मिर्च। हरी मिर्च आप मोटी वाली ले सकते हैं, पतली भी ले सकते हैं, और पकी हुई होनी चाहिए मिर्ची। नमक, राई, सौंफ और मेथी। अब हम बड़े भगोने में लगभग दो लीटर पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म हो गया, आप गैस को बंद कर दें। अब इसमें हरी मिर्ची डाल दें। मिर्चों को हमको ज्यादा नहीं पकानी है, बस एक भाप ही लगानी होती है इनको। अब आप इनको ढक दें और बीच में आप इनको ऊपर नीचे कर दें ताकि सारी मिर्ची एक सार हो जाए। ठंडा होने तक ढक दें इसको ऐसे। अब हमारी मिर्चियाँ ठंडी हो गई हैं और इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम राई को पीस लेते हैं। मैंने आधा कटोरी राई ली है, अब हम इसको पीस लेते हैं। एकदम बारीक कर लेते हैं इसको मिक्सी में। राई पीस गई है, अब एक बर्तन में इसको निकाल लेते हैं। हम मसाला बनाते हैं इसके लिए। अब हम इसमें सौंफ डालते हैं। पांच चम्मच मैंने सौंफ के लिए, अब 5 चम्मच ही हम मेथी के ले लेते हैं। एक चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं, ज्यादा या कम। 1.5 चम्मच डाला है मैंने। अब इसको मिला लेते हैं। मिर्चों को अलग बर्तन में निकाल लें और पानी को ऐसे ही रहने दें, ये मिर्चों में काम में आएगा बाद में। अब मिर्चों के बीच में से एक एक कट ऐसे लगा देंगे लंबा चक्कू से। दोनों तरफ एक जुड़ी रहनी चाहिए, एक तरफ से ऐसे कट होना चाहिए ऐसे। सारी मिर्चों को ऐसे कट कर ले। मैंने सारी मिर्च कट कर ली है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला भरेंगे। आप इनको डालने के लिए या तो प्लास्टिक का डिब्बा ले लें या कांच की बर्नी ले लें। हम इनको हमने सारी मिर्चों में मसाला भर लिया है और जो मसाला बच गया है ना, हम इसको इसमें डाल देते हैं। और जो मिर्चों का पानी था ना, वो भी इसमें डाल देते हैं। लगभग ऊपर तक डिब्बा भर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा हरी मिर्च का अचार तैयार हो गया है। आप इसे 1-2 दिन बाद में खाना शुरू कर सकते हैं। इन्हें हम लंबे समय तक फ्रिज में रखकर काम में ले सकते हैं। अगर आपको तेल का अचार नहीं खाना है तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करना न भूलें।